साइंस क्लास चैप्टर का पार्ट है और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रजिस्टर को देखा था पर वहां पर वहां हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं किया है तो आगे के भाग में दोनों न्यूमेरिकल को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं रजिस्टर्स इन पैरल यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्टर्स को पैरल में यहाँ पर दिखाया गया है तो मैंने बताया आपको यदि इन रजिस्टर्स को जैसे कि यहाँ तीन रजिस्टर लिए गए हैं R1, R2 और R3 तीनों के एक एंड को एक साथ और इस तर, तरीके से दूसरे एंड को एक साथ यदि जोड़ दिया जाए और इस प्रकार से एक सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे पैरल कम्बिनेशन तो यहाँ पैरल कम्बिनेशन में भी हम लोग आई का मान देखेंगे अलग अलग रजिस्टर में आई का मान देखेंगे क्योंकि ये रजिस्टर क्या है आर वन आर टू आर थ्री है तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरे जो सर्किट है उसमें आई का मान क्या होता है अलग अलग जो रजिस्टर है उसमें आई का मान क्या होता है फिर हम लोग देखना चाहेंगे कि ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या फिर अलग अलग जो रेजिस्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसी के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है और इन बातों को जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसे हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसका उपयोग आगे की ओर होता है तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से सर्किट बनाया गया है पैरल में आपको आर वन और आर थ्री किया गया है और सबसे पहले में यहाँ पर आप देखेंगे ये वोल्ट लगाया गया है और अमीटर लगाया गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है पैरेलल में इसको लगा देना है और उसके बाद आपको एमीटर के सहारा से सहायता से आपको यहाँ पर आई का मान निकालना है और दूसरा क्या करना है वोल्ट मीटर के सहायता से आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मान निकालना है इसके बाद आपको अलग अलग ये आर वन आर टू आर थ्री है तो अलग अलग इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है और साथ ही साथ I का मान निकालना है तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस और आई के मान को निकालने के लिए इस प्रकार से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं और आप देख सकते हैं यह है आर वन ये है आर टू और यह है आर थ्री तो अलग अलग इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करेंगे जैसे कि आर वन के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे और यहाँ पर फिर एमीटर से हम लोग करेंट का मान ज्ञात करेंगे ठीक इसी प्रकार से आर टू से भी पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे और एमीटर से इसका इसके करेंट का मेज़र हम लोग निकालेंगे और ठीक इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी मेज़र करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये जो इक्विवेलेंट यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आया था ठीक वही पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक रेजिस्टर में यहां पर देखा जाएगा मान लीजिए कि यह पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का था तो आप देखेंगे कि R1 में भी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220 वोल्ट का ही रहेगा और यहां भी 220 वोल्ट का रहेगा और यहां भी कितना रहेगा 220 वोल्ट का ही रहेगा तो यहां आप देख सकते हैं R का वैल्यू बदल रहा है तीनों में और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या है एक ही आ रहा है तो आई का मान ऑब्वियस है कि यहां पर क्या हो जाएगा चेंज तो तो बार -बार पैरेलल में या फिर सीरीज में आपको याद रखना है पहला बात यहां पर क्या याद रखना है कि तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या होगा एक ही प्रकार का तीनों में रहेगा दूसरा तीनों से होकर अलग अलग करंट का प्रवाहित प्रवाह हो रहा है जैसे कि आर वन से हो रहा है आपका आई वन तो आर टू से हो रहा है आई टू तो आर थ्री से हो रहा है आपका आई थ्री लेकिन अब जब आप इस पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट करंट को देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो आई इक्विवेलेंट करंट है ये क्या हो रहा है I1 वन प्लस आई प्लस क्या हो जा रहा है आई यहां पर यही बात याद रखना है सीरीज में हम लोगों ने क्या याद रखा था याद करिए V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री और यहां हम लोगों को क्या याद रखना है I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री और इसी को हम लोग यहां पर इसी का उपयोग करके हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे जैसे कि मैं बता रहा हूं I इक्विवेलेंट करेंट हो गया और R क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया तो v इज इक्वल टू आई आर होता है तो I बराबर क्या हो गया V बटा आर तो I के लिए हम लोग क्या लिख देंगे V बटा आर लिख देंगे तो आप देखेंगे कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस तो V है और इधर भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मारेंगे तो R1 में भी पोटेंशियल डिफरेंस V है R2 में भी V है और R3 में भी क्या है V है तो यदि I1 निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे V बटा लिखेंगे आई टू निकालना होगा तो वी बटा आर टू लिखेंगे और आई थ्री निकालना होगा तो क्या लिखेंगे वी बटा आई थ्री लिखेंगे सॉरी आर थ्री लिखेंगे तो आप देखेंगे वी यहाँ कॉमन हो जाएगा तो V को इस प्रकार से लिख देंगे V बटा आर वी यदि कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री और यहाँ V से V कट जाएगा तो एक वैलिट आप देख सकते हैं वन बटा आर इक्वल टू क्या हो गया वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग पैरल कंबिनेशन में देखेंगे यह फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होता है इक्वेलेंट रेजिस्टेंस के लिए तो ये दो बात आप यदि याद रखेंगे तो आप दोनों फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हैं एग्जामिनेशन में सीरीज के लिए वी याद रखना है और पैरल के लिए आई याद रखना है और जो मैंने बातें बताई हैं वो तो एकदम याद रखना है क्योंकि उसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में भी और इसी चैप्टर इस चैप्टर चाप, में भी तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया आई का मान क्या हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने जैसे बता आर इसको मान लिया था तो ठीक जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाया गया है और आप देखेंगे कि इससे वन बटा आर जो हम लोग का इक्विवेलेंट uh, रेजिस्टेंस है उसका माना जाएगा वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस इस प्रकार से यदि और भी आपने रेजिस्टर जोड़ रखा है तो ये आ जाएगा मान तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में